नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका ऐलान करगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि करगिल दिवस के मौके पर हमारी सरकार ने प्रदेश की पुलिस में भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंशा के मुताबिक अग्निवीर जवानों को रिटायरमेंट के बाद प्रदेश पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है उसका पूर्णतः अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को उनकी भावनाओं के अनुसार हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से कारगिल विजय दिवस की आप सबको बधाई। वहीं सशस्त्र बलों और एमपी पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा पर सियासत भी तेज हो गई है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इस देश के समाज के लिए और युवाओं की दृष्टि से अद्वितीय, अप्रतिम योजना है। और स्वाभाविक है कि अग्निवीर जो तैयार हो रहे हैं वो युवा सेना के लिए तो काम के हैं ही, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपना योगदान देंगे ही, लेकिन वहां से निवृत्त होने के बाद में अलग अलग प्रकार की सेवाओं में, शासकीय सेवाओं में भी और निजी सेवाओं में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। अभी आरक्षण देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो अग्निवीर योजना लाए थे, मैं समझता हूँ वो देश के सेना के लिए बहुत बड़ा धोखा और छलावा था, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिवार का व्यक्ति जब एक लड़का सेना की तैयारी करता तो सबसे पहले उसके अंदर जज्बा होता है, देश पर कुर्बान होने की शहादत तक देने की उसकी भावना होती है। वो जब सेना में जाता है तो निश्चित रूप से हम चैन से सोते हैं और वो हमारी पहरेदारी करता है, लेकिन जब ऐसे में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, शहादत हो जाए, तो उनको, उनके परिवार को जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, अग्निवीर को वो सारी सुविधाएँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अग्निवीर अभी ने शहादत दी है तो उस परिवार को कुछ मिल नहीं पाया। तो हम तो ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आरक्षण देने का जो वादा था वो किया है, पूर्ण किया है। इससे हमें काफी हद तक बहुत अत्यधिक आराम मिलेगी। इससे युवाओं में रोजगार बढ़ने की संभावना है। अगर परमानेंट रहती है अग्निवीर तो उसमें कम युवाओं को रोजगार मिलता है। अब 4 साल बराबर रिटर्न रिटायर होंगे ना, तो अग्निवीरों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। सहमत है सीएम गवर्नमेंट मोहन यादव जी की। अच्छा, आज ही जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय मोहन यादव जी ने जो डिसीजन लिया है कि जो आगामी अग्निवीरों को जो पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा, उसके लिए भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत है। और हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, युवा खुश हैं जो तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर को बनने की, और सियासत लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरे पर वार पलटवार के जरिए जमकर की जा रही है इस फैसले पर। जी देखिए, बिल्कुल, कारगिल विजय दिवस पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और आज उन्होंने घोषणा कर दी कि मध्य प्रदेश में अब सरकार जो भी अग्निवीर है उनको
आरक्षण देगी पुलिस भर्ती और जो सशस्त्र बल है उसकी भर्तियों में। तो निश्चित ही एक बड़ी घोषणा है, एक बड़ा फैसला है सरकार का, और मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में अग्निवीर हैं। तो निश्चित ही 2022 में ये योजना शुरू हुई थी, तो 2026 से जो अग्निवीर से जो रिटायर हो जाएंगे जो सेवा के बाद, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। और मध्य प्रदेश सरकार करीब 1,00,000 पदों पर नई भर्ती की तैयारी भी कर रही है, तो उन भर्तियों में एक बड़ा मौका युवाओं को मिलेगा। बड़ी संख्या अग्निवीर हैं तो उनके लिए आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका है। तो निश्चित ही इसको लेकर सराहना, जो अग्निवीर हैं वो इसकी सराहना कर रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार अभी इसमें कितना आरक्षण देगी, इसके लिए नियम अलग से जारी होंगे, वो अभी घोषणा होना बाकी है कि 2% आरक्षण दिया जाएगा, 4% या 10% तक दिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि अगर 1,00,000 से ज्यादा भर्तियां होती है पुलिस में और सशस्त्र बलों में, तो निश्चित ही एक बड़ी संख्या अग्निवीरों की होगी और उनको मौका मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा, तो उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी ये सौगात होगी। निश्चित ही सरकार का अच्छा कदम है। अब बात की जाए सियासत की, तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, भाजपा जहां इसको एक अच्छा कदम बता रही है डबल इंजन की सरकार का और अग्निवीरों को आगे बढ़ाने का जो सरकार का कदम है, पीएम मोदी की सरकार का वो एक बड़ा फैसला है, उसको आगे बढ़ाते हुए बीजेपी मान रही कि एक अच्छा सराहनीय फैसला है। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर, राहुल गांधी भी विपक्ष में मुद्दा उठा चुके, कह चुके कि अग्निवीर योजना को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी बात को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि अग्निवीर योजना को तो उल्टा बंद कर देना चाहिए, अग्निवीरों को इस तरह की कोई भी अगर सुविधा दी जाती है तो ये उनके साथ धोखा है, इससे बेरोजगारी ही बढ़ाई जा रही है और उनको उनका न्याय नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सियासत भी है, पर अग्निवीर खुश है, सबसे अहम बात युवा खुश है, युवा अग्निवीर बनना चाहेंगे क्योंकि उनको एक नई आगे पुलिस की और सशस्त्र बलों में नौकरी का भी मौका मिलेगा, तो उनकी तो अभी एक तरह से देखा जाए तो फायदे की बात। अल्टीमेटली तो युवाओं के हित को ही आगे बढ़कर देखना होगा शैलेंद्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फैसला का असर प्रभावित जो हो रहे थे वो युवा ही हो रहे थे, और फिलहाल जो युवाओं के रिएक्शन मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं वो खुश है इस फैसले से। धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सतना में बिजली के लिए प्रदर्शन किया है गांव वालों ने, बिजली ऑफिस में ताला ही लगा दिया, बिजली की सप्लाई बहाल की जाए ऐसी मांग है इन गांव वालों की। 5 दिनों से 100 घरों में बिजली बंद है। कोलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जब बिजली ही नहीं आ रही तो फिर बिजली के दफ्तर का क्या काम, और इसीलिए बिजली के दफ्तर में इन ग्रामीणों ने जो भड़के हुए थे ताला जड़ दिया। ऊपर से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा तो जैसे आप बोल रहे हैं। तो 5 दिन से 100 घरों में बिजली नहीं आ रही है, बिजली बंद है, और जब बिजली ही नहीं आ पा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, तो फिर बिजली दफ्तर का क्या काम, और इसीलिए यहां नाराज भड़के गांव वालों ने बिजली के दफ्तर पर ताला लगा दिया। ऊपर से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा तो नहीं है वो जैसे आप बोल रहे हैं। देखिए महिलाएं भी हैं यहां पर, पुरुष भी हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं ये लोग। ऊपर से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा तो नहीं है वो। खबर ग्वालियर से, जहां मामूली झगड़े में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र की है। वहीं मारपीट का वीडियो सामने आया है, वीडियो के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो युवकों के बीच मारपीट का ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। वहां मौजूद किसी शख्स ने ये पूरी घटना अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली, और इसी वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ, इतने लोग वहां पर खड़े थे, बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई, उसके बावजूद भी ये माने नहीं। पुर में एक मारपीट के संबंध में वीडियो वायरल हुआ है, आपके माध्यम से संज्ञान में आया, थाना प्रभारी ठाटीपुर को निर्देशित किया गया कि उसमें तस्दीक करें और तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। इंदौर से अगली खबर है, जहां न्याय नगर एक्सटेंशन में निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा निगम का अमला, निगम के अमले के सामने महिलाएं खड़ी हो गई, बड़ी संख्या में
पुलिस बल को तैनात किया गया। 7 दिन पहले नगर निगम ने यहां पर निशान लगाए थे। अतिक्रमण हटाने के विरोध में महिला ने फांसी लगा ली। परिवार वाले महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए। गुस्साए लोगों ने पथराव किया है, बुलडोजर में जमकर तोड़फोड़ की है। न्याय नगर में अतिक्रमण हटाने का ये मामला है। तो अगली खबर भी इंदौर के न्याय नगर से ही है, जहां कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान यहां पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, महिलाओं ने विरोध किया है और वो जेसीबी के आगे आकर खड़ी हो गई है। महिलाएं जेसीबी चलने का विरोध ये महिलाएं करती हुई यहां पर नजर आई और वो खड़ी हो गई जेसीबी के आगे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने इन्हें हटाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से जेसीबी के आगे खड़ी हो गई हैं। इनका कहना था कि वो जेसीबी को नहीं चलने देंगी। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां पार्षदों का प्रदर्शन हुआ है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर चक्का जाम यहां पर किया गया। नगर पालिका सीएमओ को हटाने की मांग की गई। सीएमओ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। विशेष सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया टीकमगढ़ में, जहां पार्षदों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर चक्का जाम किया, नगर पालिका के सीएमओ को हटाने की मांग। सीएमओ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को पास किया गया। विशेष सत्र में यह अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया है। जी के द्वारा जो परिस्थितियां बनाई गई हैं नगर की, इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। अध्यक्ष जी की भी गलती है और सीएमओ की भी गलती है, इस कारण से हम चक्का जाम करने खड़े हुए हैं। जब तक प्रशासन का बड़ा कोई अधिकारी हमारे बीच आके कमिटमेंट नहीं करता है, हमारी मांग है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई का ड्यू लिखा जाता है वो माननीय कलेक्टर महोदय तय करें। अब हमने चक्का जाम इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कलेक्टर साहब या उनके अधीन जितने भी अधिकारी, कोई वरिष्ठ अधिकारी आए और आज हमें इसका आश्वासन दे कि जो हमने आज एजेंडा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है और जो हम लोगों की मांग है कि ऐसी सीएम हो जिसको ना शहर के मतलब है ना विकास से मतलब है, केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपनी कमाई में जुटी रहती है दिन रात, उनको शहर से कोई लगाव नहीं है, यहाँ की जनता से कोई प्यार नहीं है, ऐसे अधिकारी को, ऐसे निष्कर्ष अधिकारी को यहाँ से भगाया जाए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होनी चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई। वहीं हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर प्रदेश मीडिया प्रभारी का बयान सामने आया है। कहा कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन पर कांग्रेस की सरकार का यह बैन था जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया है। यह जानती है कि बीजेपी हर राज्य में अपना एक आदमी एलिवेट करती है संगठन मंत्री के लिए और बीजेपी का पूरा नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बीजेपी का हर निर्णय, चाहे वो संगठन का हो, प्रशासनिक हो, मंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, मुख्यमंत्री बनाने का हो, हटाने का हो, सब आरएसएस के संकेत पर होता है। और ऐसे में इसको ये कहना कि ये केवल सांस्कृतिक संगठन है, ये न्यायपूर्ण नहीं लगता मुझे। देखिए, इस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि सामाजिक सरोकारों का लोहा पूरा विश्व मानता है। ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने जो विचारधारा की लड़ाई, जो राष्ट्रवादी विचार को दबाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने हटाया है। और मुझे अत्यंत गर्व होता है
कि माननीय न्यायालय ने भी इस पे जो तल्ख टिप्पणियां कसी हैं वो निश्चित ही कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए आईना है। राष्ट्रवादी दल, राष्ट्रवादी विचारधारा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कितना भी प्रयास कर लें दबा नहीं पाएंगे, ना दबा पाए थे। अब बात जबलपुर की, जहां बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। बारदाना गोदाम में लगी भीषण आग को दमकल की गाड़ी ने काबू पाया। चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का बारदाना जलकर खाक हो गया। लगभग 11:50 पर सूचना प्राप्त हुई, खजरी खिलिया बाईपास अमन नगर स्थित एक बोरे के गोडाउन पर आग लगने की सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद फायर ब्रिगेड से मौके पर दो फायर वाहन रवाना किए। इसके बाद दो टैंकर भी हमने अभी रवाना किए हैं। अगली खबर सीहोर से है, जहां पर कार में आग लग गई। अचानक कार में आग लगी, कार जलकर खाक हो गई। ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। बड़ी खबर सीहोर से आपको बता रहे हैं, जहां एक कार में अचानक आग लग गई, कार जलकर खाक हो गई। और गनीमत रही कि जिस कार में ड्राइवर सवार था उसकी जान बाल बाल बच गई। हाँ। अगली खबर सीधी से है, जहां पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया है। सोनवर्षा टोल प्लाजा पर यह प्रदर्शन किया गया है। टोल प्लाजा पर वसूली का आरोप लगाया है। एसडीएम ने कार्रवाई करने की बात इन शिव सैनिकों से कही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर इसी टोल नाके पर यह प्रदर्शन हुआ है। सोनवर्षा यह टोल प्लाजा है जहां पर शिव सैनिकों ने प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा वाले पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। वॉशरूम नकल का अड्डा बना हो, क्लासरूम के अंदर से बाहर तक चिटका अंबार लगा हो, यहां तक कि उड़न दस्ता जब नकल को चेक करने आए तो उनका भी स्वागत नकल की पर्चियों से होता हो, भिंड से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। अब नकलचियों ने पर्ची पर पंगा होने पर नकल का नया तरीका ईजाद कर लिया है। क्लासरूम में बिखरी हुई ये पर्चियां, वॉशरूम बना है नकल का अड्डा। कमरे में अलमारी के नीचे भी नकल का सामान, चिट का जखीरा देखिए। यहां तक कि जब अधिकारी छापा मारने आए तो उनका स्वागत भी चिट से ही हुआ। अधिकारी की गाड़ी के ऊपर भी गिरी तो चिट, तो सोच सकते हैं कि कैसे भिंड में नकल खुलेआम हो रही है। लहार शासकीय महाविद्यालय में नकलची स्टूडेंट्स ने भले ही चाहे साल भर मेहनत ना की हो, लेकिन नकलची नकल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ दिन पहले की ही ये तस्वीर भिंड की है। एक्शन भी हुआ, एसडीएम ने कलेक्टर को लेटर लिखा। लहार शासकीय महाविद्यालय और लहार आईटीआई महाविद्यालय के प्राचार्य निलंबित भी हुए। बीए बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं तो सवाल था कि अब जो होने वाला पेपर है उसमें नकल बंद हुई क्या? तो नकलचियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया कि पर्ची पर पंगा हो सकता है, पकड़े जाने का खतरा है, तो सीधे मोबाइल में ही सिर घुसाकर नकल कर रहे हैं। लेकिन नकलचियों की किस्मत उन्हें दगा दे गई, फिर चार नकलची पकड़े गए। सोचिए कैसे मोबाइल लेकर छात्रों की क्लास में एंट्री हुई होगी, किसकी शय मिली हुई है। नायब तहसीलदार जगन कुशवाहा मौके पर पहुंचे तो मोबाइल वाले ये नकलची पकड़े गए। मोबाइल जब्त हुए और कार्रवाई हुई।
सवाल वही है, आखिर किसकी मिलीभगत से नकल का ये खेल चल रहा है। भिंड में नकल तो अशोकनगर में मुन्ना भाई पकड़े गए। नेहरू डिग्री कॉलेज में बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में दो फर्जी स्टूडेंट्स की पोल तब खुली जब ना तो सिग्नेचर मिले और ना ही चेहरा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का आज निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेदांता अस्पताल में जाकर प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया। तस्वीरें गुरुग्राम की आप देख रहे हैं, जहां मेदांता अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वरिष्ठ नेता प्रभात झा के निधन पर उनके परिवार वालों से बातचीत की, दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल दिया। तो बीजेपी नेता प्रभात झा काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर में आप सीएम को देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता जो पहुंचे इस मौके पर, और पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, राकेश सिंह, देश बीजेपी अध्यक्ष, तमाम दिग्गज नेता इस मौके पर पहुंचे, प्रभात झा को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। और आइए अब देखते हैं टॉप 20। सीहोर में कार बनी आग का गोला, ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। रायसेन में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत। दतिया में बिजली कटौती पर जिला पंचायत में हुई बैठक, जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को घेरा, अनदेखी के आरोप। जबलपुर में 9 लाख के गबन का खुलासा, कर्मचारियों ने आपस में बांटे पैसे, मालिक को किया गुमराह। सतना में आक्रोशित गांव वालों ने बिजली के दफ्तर में लगाया ताला, बिजली न आने से नाराज थे। सीधी में टोल प्लाजा में शिवसेना ने किया विरोध प्रदर्शन, अवैध और मनमानी वसूली के लगाया आरोप। नीमच में ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, दरोगा और महिला सफाई कर्मियों के बीच हुआ था विवाद। दमोह में पानी में डूबने से महिला की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। ग्वालियर में मामूली बात पर दो युवकों में मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल। टीकमगढ़ में पार्षदों ने कलेक्ट्रेट में किया चक्का जाम, सीएमओ को हटाने की मांग पर उतरे पार्षद। ओरछा में घर पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंदौर में महिला ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में लगाई फांसी, गुस्साए लोगों ने बुलडोजर पर किया पथराव। अग्निवीरों को एमपी में मिलेगा आरक्षण, मोहन सरकार का फैसला, पुलिस भर्ती में दिया जाएगा आरक्षण। ग्वालियर में पारधी समाज की महिलाओं ने किया आईजी दफ्तर का घेराव, थाने में दूल्हे की मौत को लेकर आक्रोश। जबलपुर में ससुराल से लौटे युवक ने खाया जहर, ससुराल वालों के द्वारा की गई बेइज्जती से था परेशान। मंदसौर में अच्छी बारिश के लिए अजब गजब टोटका, गधों को गुलाब जामुन खिला रहे हैं लोग। इंदौर में आश्रम लूटकांड के दो आरोपी गिरफ्तार, चार आरोपी अभी भी फरार। निवाड़ी में तेज बारिश से गिरा मकान, मलबे में दो बच्चे और एक महिला दबी। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही है बारिश, बारिश से सड़कों पर भरा पानी, घरों में कैद हुए लोग। महियर में रपटा पार करते वक्त बहे तीन लोग, तलाश में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। खबरें लगातार जारी है, रुक रहे एक ब्रेक के लिए।